बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। एक तवील तातील या छुट्टी के बाद मैं हूँ जिले हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर शहबाज हाशमी साहब। गुज़िश्ता कुछ दिनों में हम मसरूफियत रही, आपके सामने पेश नहीं हो सके और हमने सोचा कि आज जब हम कुछ दिन के बाद आ रहे हैं आपके सामने तो सियासत तो आप देख ही रहे हो, सियासत तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, क्यों ना कुछ और बात की जाए। हाशमी साहब, हमारे यहाँ सर हम निजात दहिंदा की तलाश में, और आज से नहीं है, अगर हम इस रीजन को देखें जिसको हम बड़े सगीर पाको हिंद कहते हैं, मिडल ईस्ट कहते हैं, इवन कहीं चाइना की साइड पर चले जाएं या इन इलाकों में जाएं तो आपको लगेगा हर कोई एक निजात दहिंदा की तलाश में। हर कोई कहता है कि कोई सेवियर आएगा उसको बचाएगा, लेकिन अलमिया यह है कि हमें मालूम नहीं कि हमें निजात चाहिए किससे, ना हमें हमारे पास कोई सोच है, ना इस मामले में विजन होता है कि हमने निजात हासिल किससे करनी। लेकिन इस निजात दहिंदा के चक्कर में हम पर्सनैलिटीज के बुत तराश लेते हैं, शख्सियत परस्ती जो है उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये शख्सियत परस्ती क्यों पैदा होती है? जी शाह साहब, मैं पहले तो आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम आपने रूटीन के मौजूदात से हटकर आपने आज ये मौजू चुना, तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुज़ार। और यकीनी तौर पर वो जो हमारे सुनने वाले हैं, हमें देखने वाले हैं, वो भी कम से कम खुश होंगे कि चलें, जिले शाह साहब ने कुछ और नहीं किया तो टॉपिक चेंज कर दिया सियासत की, कि जो आज लोग उनके कान पक गए थे उससे अलहदा। बहरहाल, आज का जो आपका टॉपिक है बड़ी अहमियत का हामिल है। शख्स ऐसा समाज जहाँ इंसाफ नापैद हो, इस्तेसाल का चलन आम हो, वहाँ हुक्मरान तबके को ऐसी शख्सियत की ज़रूरत होती है जो उनके मफादात को पूरा कर सके। इस तरह की शख्सियत का बुत तराशा जाता है और उससे दोयो मलाई किस्से जोड़े जाते हैं। अगर ऐसी शख्सियत जिसे दुनिया से गए अरसा गुजर चुका हो तो उस हुक्मरान तबके के वारे नियारे हो जाते हैं, क्योंकि अब वो ऐसे ख्यालात नज़रियात घड़कर उससे मंसूब करते हैं जो उनके मफादात और सोच को जवाज़ मुहैया कर देते हैं। ऐसी शख्सियत के मुतालिक पहले तो उसकी ईमानदारी, हक गोई, सच्चाई, बेपनाह तदब्बर और दानिश, फरासत के बारे में ऐसे ऐसे किस्से बयान किए जाते हैं कि लोग उसकी अजमत के कायल हो जाते हैं, लोग उसकी उनकी सफ़ात को तस्लीम करते हैं। और जब उस शख्सियत के मुतालिक एक मुस्बत तासर कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उससे मनसूब शख्सियत से मनसूब वो फ़लसफ़ा भी पेश करते हैं जिससे एक मखसूस तबका मुस्तफीद होता है। हमारे यहाँ भी आप देखें बहुत से अकवाल जो यूनानी फ़िलासफ़र्स अरिस्टोटल्स, सोक्रेट्स, प्लेटो वगैरह ने कहे को भी अपनी मतलूबा शख्सियत के नाम हमने मनसूब करते रहे हम लोग, हमारा ख़ास तबका। जब ऐसी किसी शख्सियत के नज़रियात को बतौर दानिश पेश किए जाते हैं तो उन नज़रियात पर हमें तसादम और मुतनाज़ा वो नज़र आते हैं। और माजरत के साथ जिस तरह मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अलीजना और इल्लामा इकबाल के हवाले से दो किस्म की इंतहाई दर्जे पर हमें रुझान नज़र आते हैं। और सच्ची बात है, इनमें मुझे तो एक कशमकश सी नज़र आती है। जो मटेरियल भी वो जो चाहते हैं वो उनको सबको मिल रहा है उनकी तरफ से। जिस तरह हमारे यहाँ समाज को जदीदियत पर उस्तवार करने वाले जो मॉडर्न दौर को मॉडर्न और जदीदियत की बुनियादों पर इस समाज को जो उस्तवार करना चाहते हैं, जब कदामत पसंद रवैयों को मातूब करना चाहते हैं, तो बजाय वो कि वो नज़रियात को दलील बनाकर पेश करें और तो वो और माशरे को सेकुलर नज़रियात पर उस्तवार करने में क्या अवामिल पेशे करमा कार्य फरमाएँ वो ये बताएं, वो फौरन फिर क्या करते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात और इकबाल की अफकार का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और इलामा इकबाल की शायरी में से ऐसे ऐसे अशार ढूंढ ले निकाल लेने में कामयाब हो जाते हैं जिससे उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त साबित हो, उनका तासुर ये होता है। और इसी तरह रियासत पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाने के मुखालिफ जो हैं वो कायदे आज़म के कानून साज असम्बली में पहली तकरीर का हवाला बड़े शदोमद से देते हैं। उनका ये हवाला देने का मकसद ये होता है कि कायदे आज़म सेकुलर रियासत के क्याम के ख्वाह थे।
इस तरह दीन इस्लाम को तरक्की पसंद नज़रिए के तौर पर पेश करने वालों में इकबाल के खुतबात का हवाला देने से ज़रा भी नहीं चूकते और दलील देते हैं कि इकबाल मौलवियत के ख़िलाफ़ था, इसलिए उसे यकसर मुस्तरद कर देना चाहिए और उसकी जगह रोशन ख्याल नज़रियात को नाफज करना चाहिए, क्योंकि इकबाल रोशन ख़यालात तसव्वुरात को पसंद करता था। वो इलामा इकबाल के उन अशार को बतौर दलील पेश करते हैं, जैसे वो है कि क्या सूफ़ी व मुल्ला को ख़बर मेरे जुनून की, उनका सरे दामन अभी चाक नहीं है। और दूसरा इसी तरह यह कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, वगैरह वगैरह। और फिर इसका जो सहारा है इलामा इकबाल का, ग़ुलाम अहमद परवेज़ मरहूम ने भी खूब लिया। उन्होंने तो बाकायदा कुरान और इलामा इकबाल पर एक शरह लिख दी, एक बड़ी ज़हीम किताब लिख मारी। और दूसरी तरफ उसके रद्द अमल में रवायत पसंद तबका जो मुलायत का शिकार था, रजत पसंद रवैया था, उन्होंने भी इकबाल और कायद अज़म के नज़रियात को वो सामने लाया जो उनके नुक्ते नज़र को हमायत करते थे। इलामा इकबाल का जदीदियत के ख़िलाफ़ जहाद, जमहूरियत पर जा रहा तनकीद, इस्लामी उम्मा के इत्तेहाद, वतनियत के तसव्वुर के ख़िलाफ़ उनका गम गुस्सा, औरतों की आज़ादी के बारे में उनके मनफी ख्यालात और आर्ट के सिलसिले में एतराज़ात वगैरह, जिसे वो साबित करते हैं कि इकबाल दीन इस्लाम के सबसे बड़े दाई और दानिश्वर हैं, उनकी ये बातें मनोअन तस्लीम करने में ही हमारी आफियत है। उसके लिए डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, मौला मौदूदी मरहूम वगैरह ने अपनी सोच को तकवीत देने के लिए हमेशा इकबाल का सहारा लिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की आवाम ज़हनी खल्फशार का शिकार हो गई। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि इन दोनों में से हक पर कौन है, क्योंकि दोनों जानब से दोनों शख्सियात की सोच व फिक्र को बतौर दलील पेश किया जाता है। आवाम खासा ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं कि उनमें कौन दुरुस्त है, कौन गलत है। दरअसल अपने नज़रिए और नुक्ते नज़र के बारे में ये लोग जो शख्सियात का सहारा लेते हैं वो पूरी तरह आगाह नहीं होते और ना ही अपने नज़रिए से वो मुतमिन होते हैं। उनका मुतायला भी सरसरी होता है और इसलिए अपनी बात दलील से नहीं मनवा सकते, तो अपनी इस कमज़ोरी को शख्सियात का सहारा लेकर पूरा करते हैं। और बात मनवाने का अंदाज बिल्कुल उस देहात के मौलवी जैसा है जो जज्बात का सहारा लेकर सुनने वालों से अपनी बात को मनवाता है। इस तरह के सो कॉल्ड दानिश्वर लोगों की दुरुस्त रहनुमाई करने की बजाय उनको शख्सियात के सहर में उलझाकर अपना मकसद हासिल करते हैं, और ये दानिश्वर लोग शख्सियात के लोगों को शख्सियात की जाल में फंसाते हैं, और इस तरह के लोग अपनी बात शख्सियात के दबाव में लाकर मनवाने की कोशिश करते हैं। और ये शख्सियत परस्ती हमारी ज़हनी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब इसका जादू और सहर हर अहद को अपनी गिरफ्त में ले लेता है तो जहन उनके ही बनाए हुए फ्रेम वर्क में सोचने पर मजबूर होता है। याद रखें फिर अशा जी कि माशा उस वक्त तक जमूद का शिकार रहता है जब तक वो शख्सियाती गिरफ्त में रहता है, उसकी तख्लीकी सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं, वो कोई ऐसा नया काम नहीं करता बल्कि उनका काम इतना ही रह जाता है कि वो इन शख्सियात के नज़रियात और अफकार की नई शरह बयान करें, उनकी तावीलात पेश करें, उनको हर बार नए तर्ज से नए अंदाज से पेश करें और तख्लीकी सलाहियतों के नापैद होने से समाज में दौरे शाह के चूहे पैदा हो रहे हैं और नई फिक्र और सोच मफकूद हो चुकी है। और अगर समाज को तरक्की की राह पर हमने गामजन करना है तो ज़रूरी है कि इन बड़े बड़ी शख्सियात के बुतों को पाश पाश कर दिया जाए और लोगों को आज़ादाना समझने की रवश डालें। जब लोग इन अजीम लोगों के सो कॉल्ड अजीम लोगों के सैर से आज़ाद होंगे तो उनके सामने नई दुनिया ज़ाहिर होगी, उन्हें ताज़ा हवा मैसर होगी, फिर माशरा यकीनी उस राह पे चल सकेगा जिसका हम ख्वाब देखते हैं। जी जी बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। आपकी बात सुनते हुए मेरे जहन में एक लतीफा नुमा वाक्या जो है वो बहुत अच्छे से सुनते आए हैं। हमारे सुनने वालों ने भी सुना होगा कि एक शख्स जो है उसका गधा जो है वो मर जाता है और वो बड़ा परेशान रोता धोता पहुंचता है अपने पीर साहब के पास। पीर साहब से कहता है, पीर साहब मेरा गधा मर गया है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, खुदारा कुछ मदद कीजिए। पीर साहब उसको एक और इंतहाई लागर सा गधा थमा देते हैं। वो बड़ा परेशान होता है कि पीर साहब मेरे पास पहले खाने को नहीं है, पहले गधा मर चुका है, ये नया गधा आपने मुझे क्यों दे दिया। अब वो गधा लेकर चलता है पीर साहब की मोहब्बत में, और चलते 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 एक बयाबान में देखता है कि गधा वहां पर ये भी मर गया।
अब वो गधे को दफनाता है और उसके ऊपर आहो बका कर रहा होता है कि पास से लोग गुजरते हैं और उस गधे की कब्र पे चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर देते। काफी अरसे के बाद पता चलता है कि वो तो एक मजार बन चुका है। अब ऐसी सूरत हाल में जब बड़े पीर साहब को मालूम होता है कि पास में एक और मजार बनाए, चलो चल के देखते हैं नया पीर कौन है। और जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं वो तो वही मुरीद। मुरीद पीर साहब के चरणों में बैठता है और कहता है, पीर साहब मुर्शिद आप ही तो थे जिन्होंने ये जाग लगाई है, अगर आप मुझे उस दिन वो ना देते तो आज मैं इतना खुशहाल ना होता। पीर साहब कहते हैं, हाँ तूने दुरुस्त फरमाया, इसकी माँ भी इतनी ही नेकबख्त थी। तो मकसद सर बात करने का ये है कि हमारे यहाँ जो शख्सियात हैं वो भी इन्हीं मज़ारों और कब्रों की, मैं किसी मजहबी तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं एक समाजी तौर पे बात कर रहा हूँ कि इन्हीं इसी तरह से हमारे माशरे में हम बुत तराश लेते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है सर कि जो शख्सियत परस्ती और बुत परस्ती की जरूरत, ये गुर्बत की वजह से है, ये माशरे में ज़हनी पस्ती की वजह से है, इसकी जरूरत ही क्यों है? शाह साहब, अमेरिका के तीसरे दानिश्वर सदर थॉमस जेफरसन बड़ा एक बहुत दानिश्वर एक प्रेसिडेंट था, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे वो। तो उनने किसी भी अजीम शख्सियत के हवाले से कहा कि किसी भी समाज में नया हीरो बनाना, उनकी तश्कील करना, उनके बारे में हैरतनाक किस्से और कहानियाँ मशहूर करना एक दिलचस्प अमल है, और ऐसा तरीक़ेकार उन शख्सियात के हवाले से इख्तियार किया जाता है जो ज़माने कदीम में या उस मौजूद अहद से कबल मौजूद थी। क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है तो फिर ऐसी शख्सियत को महिर अकूल बनाना आसान होता है, और यही वो गुमराह का उन अमल है जिसमें उन शख्सियात की कमज़ोरियों को छुपाकर लोगों को भटकाया जाता है। ये सवाल ज़रूर हमारे सबके जहन में पैदा होता है कि आखिर माशरे के हुक्मरान तबके को हीरोज़ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, खुसूसन जिन पसमानदा समाज में लोग मुंतज़र फ़र्दा होते हैं, किसी की मसीहा के क्यों मुंतज़र होते हैं, और ये तसव्वुर उनके दिमाग में क्यों रासख होता है कि सिर्फ अजीम लोग ही उनको मसाइल से निजात दिला सकते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इन्हीं बदतरीन वो समझते हैं कि इन्हें उन्हें बदतरीन बहरानों से वो एक मसीहा आएगा और वो एक अजीम शख्सियत आएगी जो उसको निकाल देगा और उनके लिए खुशहाली का दौर भी लाएगा, और फिर ऐसी जन्नत नज़ीर एक समाज और माशरा तामीर करेगा। तो फिर नफ्सियाती तौर पर वो कौम जो इस मखमसे का शिकार होती है और इस नफ्सियाती उलझनों का शिकार होती है, वो बेअमली का भी शिकार हो जाती है। सारी ज़िंदगी ऐसी शख्सियात का इंतज़ार करते करते वक्त गुजर जाता है। वो ख़ुद तो अपने मसाइल का दुरुस्त अंदाज में तजिया नहीं करते, ना ही गौर व फिक्र करते हैं। उनकी यही ख्वाहिश पेशे कार फरमा होती है कि कोई आकर उनके मसाइल का तैयार शुदा हल लेकर आ जाए और मुज़ाहमत भी ना करनी पड़े, जद्दोजहद स्ट्रगल भी ना करनी पड़े, और इसके बगैर तमाम मसाइल हल हो जाए। इसलिए वो फिर मौजज़ों के मुंतज़िर होते हैं। ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर लोग क्यों इन शख्सियात पर मान ले आते हैं, क्यों उनकी अजमत के कायल होते हैं। और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, ये एक बात है कि बाज़ लोग बासलाहियत होते हैं, वो दूसरों की नस्बत ज़्यादा पोटेंशियल होता है उनके अंदर, वो ज़्यादा काम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे समाज में, बल्कि जहाँ ये पसमानदगी होती है, हम किसी बात को या किसी के एक कारनामे को इनफरादी तौर पर एक के साथ मंसूब करके उनको दूसरे लोग जो उसमें कार्य पेशे कार्य फरमा होते हैं, जिस किरदार अदा करते हैं, उनको भी महरूम कर देते हैं, और उसी एक शख्स को हम कहते हैं ये हमारा हीरो है। ये अवाम में फिर ये जो लोग ये तासर डेवलप करते हैं उस शख्सियत के हवाले से, वो मबालगा हराई की हद तक बढ़ा देते हैं कि मतलूबा शख्स जो है वो उस माफुकुल फितरत है। और फिर और मज़े की बात है कि ऐसी तराशी हुई शख्सियत की ज़रूरत हर हुक्मरान तबके को होती है, क्योंकि वो उन्हीं के सहारे हर तब्दीली की मुखालफत करते हैं और दावा करते हैं कि मौजूदा मरवजा निज़ाम उनकी तश्कील करता और ये बिल्कुल उन्हीं के अफकार पर कायम है, लिहाजा इससे रूह गर्दानी करना गद्दारी के मुर्तकिब आप हो जाओगे। और दूसरे ऐसी शख्सियात से वाबस्ता ऐसा तबका भी होता है जो उनके नाम पर दौलत इकट्ठी करता है, वो अपना धंधा चलाता है। जिस तरह आपने कहा, वो गधा जिस तरह उसने
दफन कर दिया, उस पर अपना मज़ार बना दिया अपने किसी पीर का, तो ऐसा उनका धंधा इसी बात पे चलता है। लिहाजा ये उन तबकात के मफाद में है कि उन शख्सियात को जो वो पेश कर रहे हैं को अजीम से अजीम तर बनाते चले जाएं। उन्हें ये भी डर है अगर खुद उनके लिए वो शख्सियत का बुत जो उन्होंने तराशा है बीच चौराहे में टूट गया तो वो फिर सब बेकार हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। और सबसे बड़ा तो जुल्म ये है कि ऐसी शख्सियत की गिरफ्त में समाज चूँकि जमूत का शिकार होता है और उसका ये होता है कि वो अपनी जगह ठहर जाता है। और उसका हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान हो या इस तरह के तमाम समाज, तो वो हम देखते हैं कि वो अक़वाम आलम में फिर यकसर तन्हाई और पसमानदगी का शिकार होते हैं। और क्योंकि नतीजा कोई मस्बत अंदाज से मुनतज नहीं कर सकते, इसलिए वो एक उज़्व मुअत्तल के तौर पर रह जाते हैं हमेशा के लिए और बेतौकीर होते हैं। जी जी बिल्कुल। सर, इस सिलसिले में मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद हम प्रोग्राम को रैपअप करेंगे। ये जो अजीम शख्सियात होती हैं, इनकी जिंदगियां वाकई में अजीम होती हैं, क्योंकि जिस तरह आजकल के दौर में हम देखते हैं कि कुछ शख्सियात से कुछ बातें मंसूब आज भी की जाती हूँ जो कि उनकी असल शख्सियात से बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो असल में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उनसे वो बातें मंसूब की जाने लग जाती हैं और उनके अकवाले जरिए के तौर के ऊपर एक बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी वो बातें फैला रही होती है, माशरे में बता रही होती है तो बड़े अजीम लोग हैं, ये है वो है फलान। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ये शख्सियात वाकई में अजीम होती हैं या कुछ अजीम होती हैं कुछ नहीं होती या अजीम होती ही नहीं है? एक्चुअली मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि जो मैंने आखिरी बात की थी अपनी अभी, वो यही थी कि भी कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके अंदर ज़्यादा सफ़ात के हामिल लोग होते हैं। हर कुदरती तौर पर हर इंसान दूसरे इंसान से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, किसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा मामलात को समझ लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो नतीज आज वो मुंतज कर चुका है, जिस अंदाज से वो जिस मकाम पर पहुँच चुका है, वो फ़र्द वाहद की कोशिश थी, ऐसा नहीं होता। उसके साथ मुंसलिक हज़ारों लोग होते हैं जो उसके हम नवाब भी होते हैं, हम रकाब भी होते हैं, वो मंजर की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान फ़कत कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना केस और उनके टाइपराइटर की रहीन मिन्नत था, तो ये उन हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के साथ की तोहीन है, जिन और मुस्लिम लीग की भी तोहीन है और हर उनस हमें नज़र आती है फिर इस हमें ऑर्गेनाइजेशन की भी। या हम ये कह दें कि फ़िक्र इकबाल ही की वजह से ये एक इकबाल की सोच थी या ख्वाब देखा था, तो ये भी एक गलत बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें दुरुस्त अंदाज से दिखाना चाहिए और उसका जांचना चाहिए। किसी एक शख्सियत के नाम पूरी फतह को आप जब लगाते हैं तो फिर शख्सियत परस्ती ज़रूर आप डेवलप कर रहे होते हैं, उसकी शख्सियत का बुत तराश रहे होते हैं। तो उसकी बजाय हम इज्तमाईयत के ऊपर देखेंगे, समाज में जिन जिन लोगों ने उस दौर में एक किरदार अदा किया, किन मकासद के लिए किया था, और उसके में एक फ़र्द वहद नहीं, फ़र्द वहद तो एक रहनुमा था, लीडर था, लेकिन उसके साथ हज़ारों लाखों लोग थे जिन्होंने, आयतुल्ला खमीनी जब ईरान में आए थे तो आयतुल्ला खमीनी अकेला इनकलाब लेकर नहीं आए थे, वो जब आए थे तो उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर लाखों 40 लाख लोग वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद फिर तहरान की गलियों और मोहल्लात सब कि सब जहाँ था वो ताराज होते हुए आगे चला गया, शहन शहीद के बुत सब टूट गए थे। अब उसको अगर फ़कत हम ये कहें कि आयतुल्ला खमीनी मरहूम की ये सारी काविश थी, तो ये गलत होगा। इसके साथ वो लाखों लोग थे, वो लोग थे जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने एक जंग लड़ी, तवील जंग लड़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम शख्सियत का बुत तराशते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम समाज को जमूत का शिकार कर रहे हैं, हम एक बुत तराश रहे हैं और समाज को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। आपने ईरान इनकलाब ईरान की भी एग्जांपल दी जिसमें अली शरीयती जो हैं उनको अक्सर लोग भूल जाते हैं और उनकी वो फलसफियाना बातें हम कभी कभार कहीं ना कहीं फेसबुक सोशल मीडिया पे देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम, हमें अक्सरियत को नहीं मालूम कि अली शरीयती का इनकलाब ईरान और सोच को बेदार करने में कितना बड़ा किरदार था जिसकी बुनियाद पर ईरानी कौम ने बादशाहियत जो थी उससे निजात हासिल की। अब किस निज़ाम में गए किस पे नहीं गए वो एक अलहदा बहस है, उस पर फिर कभी बहस करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में आपसे इजाजत चाहते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने जिस मकसद पे बात करने की कोशिश की वो ये थी कि इंसान को ये सोचने की जरूरत है
हर फर्द वाहिद को ये सोचने की जरूरत है कि उसकी भी कोई अहमियत है, उसकी वो अहमियत का हामिल है, उसकी सोच, उसके अल्फाज, उसकी बातें अहमियत की हामिल है। और अगर आप अपनी सोच और अपने अल्फाज को और अपनी बातों को किसी के हाथ में दे देंगे, अपनी सोच को कैदी बना देंगे उस शख्स का जिसको आपने शख्सियत परस्ती के बुत बना के, जिसकी शख्सियत का आपने अपने सामने रखा हुआ है, जिसकी आप पूजा करते हैं और आप कहते हैं मेरी क्या औकात कि मैं इसके सामने कोई बात करूं, तो फिर उसका फर्ज नहीं, उसका हक भी है कि वो आपको इसी तरह रोंदे जिस तरह से आज हमें रोंदा जा रहा है। इसके साथ ही मुझे जिले हुसैन को और आमिर शहबाज हाशमी साहब को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।